अजीत वैब टीवी के दर्शकों का स्वागत है। कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप दिनों दिन पंजाब लगातार बढ़ रहा है तो केसों की गिनती भी लगातार बढ़ रही है। पिछले समय तो जो संगत तख्त श्री हजूर साहब के गई हुई थी उन्होंने वापस पंजाब लियाने वास्ते पंजाब सरकार वालों उपराले किए गए और दो दिन पहला इन्हां श्रद्धालुओं ने लियाने बसा रवाना कीतियां गईं। सो इस टाइम डूम वाली बैरियर से इंटरस्टेट जो नाका वजिया दसा जा रहा है उससे ये बसा श्रद्धालुओं को लिया के वापस आ चुकी हैं। तो इन बसा के आन जा आने पर एक तरह का प्रशासन वालों पूरी तरह चौकसा है। सारे श्रद्धालुओं का एक तरह कह लिया जाए कि उन्होंने एक एड्रैस वगैरह नोट किया जा रहा है, उन्होंने चैकअप किया जा रहा है और उन्होंने भोजन वगैरह भी दिता जा रहा है। तो उस तो बाद ये सब कुछ करके वो बसा उन्होंने अगले पड़ाव लिए रवाना किया जा रहा है। साढ़े नाल इस टाइम प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, इन्होंने गलबात करांगे भी थोड़े वालों की प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन वालों तो यह है जी असी पूरा ध्यान रखना जी इत्थे है ना, तो असी सिविल प्रशासन की मदद वास्ते अज इत्थे हैगे आ जी हाजिर हैं। तो जो बठिंडा दी सवारियां आ रही ने सिविल प्रशासन की मदद नाल उन्हें क्वारंटाइन करवाना है जी, उन्हां दे सेहत की जाँच करवाना साड़ी यही ड्यूटी है जी। सर किन्ने क श्रद्धालु बठिंडे जिले नाल संबंधित आ चुके हैं इस टाइम? हुण तक जी 6 आ चुके जी, तीन पहले तीन होने ने जी, हम तक 6 श्रद्धालु शक्ति मरीज लगता तो उसके वास्ते की प्रबंध किए गए जी? ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बेहतर दस सकते हैं जी, हम तक तो असं आपकी सू इंस्ट्रक्शन जो हुई ने अपने आप को बचा के रखना, सेहत का ध्यान रखना। सेहत विभाग के कर्मचारी भी साढ़े इस टाइम मौजूद हैं, उन्होंने भी गलबात करांगे ता जो कि उन्होंने वालों की प्रबंध किए गए हैं। की प्रबंध किए गए तुहाडे वालों जो श्रद्धालु आ रहे जी? हुण इंस्ट्रक्शन आई है भी बठिंडे वाले जो मरीज है या मतलब बंदे है वो लाने हैं वो डिसाइड कर रहे हैं भी डिसाइड है कर लाने कि नहीं। उन्होंने चैकअप की किया जा रहा है? मुढ़ला चैकअप भी स्क्रीनिंग भी, उन्होंने कोई सिम्टम वगैरह तो नहीं है, उन्होंने कोई फीवर तो नहीं है, ये जो स्क्रीनिंग आप कर रहे हैं जी। उस तो बाद फिर इन्हों क्वारंटाइन करके जी साइड हो जाओ सैंपलिंग करा जी फिर उन्होंने। सो सेहत विभाग के डॉक्टर वालों भी कहा जा रहा है कि सानू हुणे हुणे एक हदायत जारी हुई है कि जो बठिंडे जिले से संबंधित है उन्होंने इत्थे उतार लिया जाए तो उन्होंने एक अलग ही जगह में रखा जाए ता जो कि उन्हों का पूरा चैकअप किया जाए। तो असी भी अजीत वैब टीवी के राही दर्शकों को अपील करते हैं कि अपने घर रहो, सरकार के हुक्मों की पालना करो ता जो कि इस कोरोना वायरस की महामारी को जड़ तो खत्म किया जाए। अजीत वैब टीवी संगत मंडी तो दीपक शर्मा।